नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साजापुर के कालापीपल थाना परिषद में मध्य प्रदेश के नव नियुक्त सीएम मोहन यादव ने मांस मछली एवं अंडा की दुकान खुले में संचालित नहीं करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मंदिर और मस्जिदों के लाउडस्पीकर से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए गए और जिसके लिए सभी लोगों की मीटिंग भी आयोजित की गई है। आपको बता दें कि इस मीटिंग में सभी लोगों को मध्य प्रदेश सरकार की जो कि गाइडलाइन दी गई है उसका पालन करने के लिए भी कहा गया है। और इस मीटिंग में थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा और साथ ही थाना स्टाफ समेत काला पीपल के सभी पत्रकार भी मौजूद रहे। कल दिशा निर्देश प्रसारित किए गए थे, उसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय से हमको विशेष निर्देश प्राप्त हुए थे, उसके संबंध में कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो दिशा निर्देश हैं उनको जो हमारे क्षेत्र की जो जनता है प्लस जो धार्मिक जो अपनी इमारतें हैं उनके जो धर्म गुरु हैं उनको उन निर्देशों से अवगत कराएं और उनको पालन करवाने के लिए उनको प्रेरित करें। निर्देशों का पालन नहीं करने पर जो भारतीय दंड संहिता में भी कुछ कार्रवाई है, प्लस कलेक्टर कार्यालय से इसके संबंध में पत्र जारी होगा, उसमें 188 के तहत कार्रवाई करेंगे, गोलाल अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। इसके तहत एक उड़न दस्ते का भी निर्माण होगा जिसमें 3 सदस्यीय समिति होंगे, उसमें थाना प्रभारी भी शामिल होगा और 2 प्रशासनिक अधिकारी भी सम्मिलित होंगे, उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। यह नियम कब से लागू हो जाएगा? नियम लागू हो गया है, ये अभी लोगों को हमने बता दिया है और लोगों से बोला है कि इसके संबंध में जो भी दिशा निर्देश हैं उनको पालन अभी से करना सुनिश्चित करें। डीजे वालों को भी हमने स्पेशली बता दिया है कि अगर किसी भी त्योहार वगैरह में जो तो वहीं प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री बीजेपी के गद्दावर नेता गौरी शंकर बिसेन ने कहा कि एमपी के मन में है मोदी और मोदी के मन में है एमपी के शंखनाद से शुरू हुआ और इसी के साथ में बीजेपी की प्रचंड जीत दर्ज की गई और इसी कड़ी में जन आशीर्वाद से बनी बीजेपी की सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विशाल जन समुदाय के बीच भोपाल में प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल के उपस्थिति में भी सीएम पद की शपथ ली और इस दौरान डिप्टी सीएम जगदीश देवला और राजेंद्र शुक्ला ने भी शपथ ग्रहण की और भव्य शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने बीजेपी के मंत्री कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी। आपको बता दें कि गौरीशंकर बिसेन और साथ ही पीएम के नेतृत्व में बीजेपी की जीत हुई है और जिसको लेकर प्रदेश को उनका एक नया जो सीएम है वो मिल गया है और जिसके बाद में गौरीशंकर बिसेन ने पीएम की तारीफ भी की और साथ ही कहा कि पीएम के मार्गदर्शन पर ही एमपी में बीजेपी की सरकार आई है और साथ ही प्रदेश में उनका एक नया सीएम भी मिला है। पर गौरीशंकर बिसेन ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम के जन आशीर्वाद से ही सरकार बनी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system.
producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना करो कि आपका एक बैंक अकाउंट है, उसमें हर रोज सुबह सुबह 86,400 रुपए जमा होते हैं जो आपको उसी दिन रात तक खर्च भी करने हैं, और यदि आपने पूरे खर्च नहीं किए तो आपका बैंक बैलेंस अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, यानी जब्त हो जाएगा, उसे अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ये राशि 86,400 है और इतनी ही रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा। अब आप क्या करोगे? एक समझदार व्यक्ति की तरह एक बजट बनाओगे और उससे पूरा का पूरा खर्च करने का प्लानिंग करोगे। दोस्तों, हमारा ऐसा ही एक बैंक अकाउंट है जिसका नाम है समय। इसमें भगवान हर रोज 86,400 सेकंड जमा करते हैं। अब उस समय का खराब करना या एक एक सेकंड का उपयोग करना, ये हमारी समझ पर निर्भर करता है। ये समय सभी के पास बराबर है, ना कम ना ज्यादा। ये समय ना कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और ना किसी के पास ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी नो ओवरड्राफ्ट, नो बोरोइंग। अक्सर लोग कह देते हैं अभी समय नहीं है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। दोस्तों, समय तो प्रकृति ने सभी को बराबर का दिया है। हाँ, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। कहते हैं जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। इसलिए जीवन का एक एक पल महत्वपूर्ण है। जरूरत है कि हम टाइम मैनेजमेंट को समझें और समय का सदुपयोग करना सीखें। किसी ने ठीक कहा है, समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बिल्कुल हटके। खबर है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से। वैसे अपना भारत सुर्खियों में आता है, कभी मंगलयान की वजह से, कभी चंद्रयान की वजह से और कभी आदित्य L1 की वजह से। लेकिन पाकिस्तान सुर्खियां बनता है कभी आतंकवाद की वजह से और कभी कभी ऐसी खबरों की वजह से जिनको सुनकर आप हैरान भी होंगे और हंसेंगे भी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 110 साल की उम्र में एक आदमी ने चौथी बार शादी की है। पाकिस्तानी न्यूज चैनलों के अनुसार सिर्फ 110 साल के जवान अब्दुल हन्नान स्वाति ने अपने से सिर्फ 65 साल छोटी, यानी 55 साल की एक महिला से चौथा निकाह पढ़ लिया, यानी उम्र 55 की और दिल बचपन का। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं क्योंकि बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्नान साहब ने मेहर में अपनी नई बेगम को 5,000 रुपए और परिवार के 84 सदस्य दिए हैं। असल में हन्नान के 12 बच्चे, 6 बेटे और 6 बेटियां और ढेरों पोते पोतियां हैं। अब लोग भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव ने राजनीतिक नियुक्ति राज पिछड़ा वर्ग आयोग का नियुक्त किया गया अध्यक्ष है। और साथ ही आपको बता दें कि पूर्व सांसद रामकृष्ण कुसुमरिया को भी अध्यक्ष बनाया गया और आदेश जारी होते ही कुसुमरिया ने भी पदभार संभाल लिया है। बड़ी खबर भोपाल से। आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव ने राजनीतिक नियुक्ति की है और राज पिछड़ा वर्ग आयोग का नियुक्त किया गया अध्यक्ष। पूर्व सांसद रामकृष्ण कुसुमरिया को बनाया गया अध्यक्ष, आदेश जारी होते ही पदभार संभाला गया राज पिछड़ा वर्ग के बताए जा रहे हैं। और पूरी खबर भोपाल से है जहां पर सीएम मोहन यादव ने राज पिछड़ा वर्ग आयोग का नियुक्त किया है अध्यक्ष। पूर्व सांसद रामकृष्ण को बनाया गया अध्यक्ष और आदेश जारी होते ही पदभार भी संभाला गया राज पिछड़ा वर्ग के बताए जा रहे हैं। और बड़ी खबर भोपाल से जहां पर सीएम मोहन यादव ने नियुक्ति की है और राज पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। पूर्व सांसद रामकृष्ण को अध्यक्ष बनाया गया और आदेश जारी होते ही पदभार भी संभाल लिया गया।
नवनिर्वाचित एमपी के सीएम मोहन यादव के पद ग्रहण करते ही अपना पहला आदेश जारी कर दिया। उन्होंने सख्त आदेश देते हुए मंदिर मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही मध्य प्रदेश शासन की तरफ से धार्मिक स्थलों और अन्य स्थलों से अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों की सख्त मनाही की गई है। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित सीएम ने सख्त आदेश जारी किए हैं और धार्मिक स्थलों से स्पीकर हटाने के ये निर्देश दिए गए हैं और बात न मानने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि धार्मिक स्थलों को से जो स्पीकर हैं वो हटाने के निर्देश दिए गए हैं और बात न मानने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर भोपाल से है जहां पर नवनिर्वाचित सीएम ने सख्त आदेश जारी किए हैं, मंदिर मस्जिद धार्मिक स्थलों से स्पीकर हटाने के निर्देश दिए गए हैं और इन निर्देशों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट में पहली बार निर्णय लिया है कि खुले में मांस अंडे की दुकान लगाने के नियम तय किए जाएंगे और हर जिले को पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की सौगात भी दी जाएगी। डिग्री मार्कशीट के लिए सभी यूनिवर्सिटी में दिए जाएंगे डिजिटल लॉकर और प्रदेश में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित सीएम ने डिग्री मार्कशीट के लिए सभी यूनिवर्सिटी में डिजिटल लॉकर की सुविधाएं प्रदान करने की बात कही है। बड़ी खबर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट में पहली बार निर्णय लिया कि खुले में मांस अंडे की दुकान लगाने के नियम तय किए जाएंगे। हर जिले को पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की सौगात दी जाएगी। डिग्री मार्कशीट के लिए यूनिवर्सिटी में दिए जाएंगे एक्सीलेंस और साथ ही बड़ी खबर आपको बता दें कि मोहन यादव ने बड़े फैसले लिए हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हर जिले को पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की सौगात दी जाएगी। डिग्री मार्कशीट के लिए डिजी लॉकर्स भी दिए जाएंगे। शिवपुरी जिले में चोर बाइक चोरी कर जो है वो लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस इस मामले में लगातार छानबीन कर चोरों का पता लगाने में जुटी हुई है। पुलिस निरीक्षक विनय यादव ने चोरों के खिलाफ मुहिम तेज कर दो बाइक चोर और साथ ही पता लगाने में कामयाब हुए, जिनसे पूछताछ की गई और अलग अलग स्थानों से 41 बाइकें पुलिस ने बरामद की हैं। सफलता हासिल की गई और पुलिस अभी तक बाइक बरामद होने की बात कर रही है। पूरा मामला शिवपुरी का है। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। ये मोटरसाइकिल के पार्ट्स को काट के अलग अलग पार्ट्स को बेचते थे, ठीक है, अलग अलग मोटरसाइकिल ली थी तो उस पर लोग काम कर रहे हैं। छोटे मोटरसाइकिल को मिले उस पार्ट्स जो कटे हुए पार्ट्स मिले। सर पहले भी ये आरोपी किसी केस में रहे? हाँ, ये दो कार के खिलाफ है। ये थोड़ी समय में आरोपी युवा सरकार है। सर कितने कितने आरोपी टोटल? दो अपराधी पकड़े। कहाँ से कौन सी एरिया से? ये ये वारदात करते थे मोटरसाइकिल चोरी कहाँ पर? शिवपुरी जिले में या अन्य जिलों से भी लाते थे मोटरसाइकिल? अभी तो अपने जिले का हमने पकड़ा है, एनजीओ की पूछताछ की जा रही है कहीं इनके पास हो, और ये अभी जो इनके बागे से मिला है। पुलिस परिवार कल्याण योजना धृति के संबंध में एक दिवसीय सम्मेलन आयोजन किया गया और आपको बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस परिवार की महिलाओं एवं बच्चियों को आत्मनिर्भर बनना है और साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस परिवार की महिलाओं और बच्चियों को सिलाई बुनाई हैंडक्राफ्ट हैंडल प्रिंटर मशीनें और साथ ही कुकिंग इत्यादि माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहयोग एवं प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि विजेताओं को पुरस्कार भी दिया जाएगा। धृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कौशल कार्यक्रम का यह भव्य आयोजन किया गया जहां पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के बात कही गई है। औद्योगिक क्षेत्र के थाना सेक्टर 3 में दो दिन पूर्व तालाब में एक युवती ने कूदकर जान दे दी थी और युवती के शव को 36 घंटे के बाद गोताखोरों की मदद से तालाब से निकाला गया है और लोगों ने पुलिस को इस घटना की सूचना भी दी और जिसके बाद में स्थानीय लोगों गोताखोरों की मदद से तालाब में युवती की तलाश लगातार की गई। साथ ही आपको बता दें कि युवती ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया इसकी जांच लगातार जारी है।
दिनांक 11-12-23 को एक लड़की बगदून तालाब में कूदने की सूचना मिली थी। उसकी लाश आज सवेरे तालाब के अंदर से निकली है। कल से दिन भर प्रयास किए थे उसके शव को निकालने के, आज सवेरे सुबह थी। सर क्या कुछ जानकारी हासिल हुई है उससे? ये तो जांच में पूरा जांच चल रही है, उसको पता चलेगा जैसी भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम रिपोर्ट लोकेन चौधरी उसने। खरगोन जिले की मेनगांव पुलिस ने शासकीय कार्य में लगे मोबाइल टावरों से एक जनरेटर चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पूरा मामला, पुलिस ने 6 लाख रुपए के 3 जनरेटर जब्त कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। चोरी की घटना में काफी टाइम से अंजाम दे रहे थे और साथ ही एक आयरस और एक ट्रैक्टर सहित 407 वाहन भी पुलिस ने जब्त किया है। जब्त वाहन और सामग्री की कुल कीमत 21 लाख रूपये बताई जा रही। और एएसपी तरुणेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि मेनगांव थाने में जनरेटर चोरी की शिकायत पर विवेचना के बाद में पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश किया है और साथ ही पूछताछ में और भी कई खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। ये मोबाइल टावरों में लगे जनरेटर चोरी हुए होते थे जिसमें एक गैंग सक्रिय थी। पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह ने इसमें एक टीम बनाई थी जिसमें साइबर सेल और थाना प्रभारी मेन गांव के द्वारा टीम ने 7 आरोपियों राउंड अप करके पूछताछ किया जिसमें 3 जनरेटर बरामद हुए हैं जो 7 लाख रुपए है। और ये जनरेटर थाना मेनगांव, थाना ऊन और थाना जुलवानिया में चोरी गए थे और 7 को जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। सर इनके नेटवर्क को लेकर क्या कहा जा सकता है? इनके नेटवर्क में और चीजें हैं जिससे पूछताछ की जा रही है, पुलिस रिमांड लिया जा रहा है उनका। और खुलासे हो सकते हैं। आरोन नगर में हनुमान मंदिर के सामने ठेले वाले से रोड पर जाम का समस्या उत्पन्न हो रही है। और आपको बता दें कि प्रशासन ने नगर में सब्जी ठेले और अन्य ठेले वालों को कोई स्थान न मिलने से नगर के मुख्य रोड पर ठेले और साथ ही ट्रैक्टर लगने से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिससे आए हुए लोग और नगर के लोगों का निकलना भी दुश्वार हो गया है। और आरोन नगर में अभी तक अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। मध्य प्रदेश के मनावर से विधायक डॉक्टर हीरालाल के अलावा ने शराब के अवैध बिक्री को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से अवैध रूप से संचालित किए जा रहे सटोरियों की दुकानों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसे खुलेआम धड़ल्ले से अनेक अवैध सट्टा संचालित किए जा रहे। इसके बाद में अवैध सट्टा संचालित होने से लगातार किसानों की मोटर, केबल, वायर, बाइक के साथ में घरों में डकैती की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार की घटनाओं से क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल बढ़ता जा रहा है। इस मामले पर विधायक हीरालाल के अलावा आबकारी विभाग को आड़े हाथों भी लिया गया है। और विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा आज भी धरना प्रदर्शन जैसे मनावर में सट्टेबाजों के कारण जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, किसान भाइयों की मोटरसाइकिल चोरियां हो रही है, किसान भाइयों की मोटर खेत में से मोटर चोरी हुई है, केबल चोरी हो रही है, अब धारे पड़ रहे हैं सट्टेबाजों के कारण, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे सरकार। और जितने भी नाम जद सट्टेबाज मनावर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, चाहे बाकानेर हो, चाहे टोकी हो, चाहे मनावर शहर हो, चाहे गढ़पुर हो, चाहे सिंगाना हो, इनको सबको जिला बदर दिया जाना चाहिए, चाहे उम्र बनो। तो वही मध्य प्रदेश में सेंधवा के पास नेशनल हाईवे 3 पर गांव जमाना में भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि हाईवे मैनेज पेट्रोलिंग वाहन पर अनियंत्रित होकर कंटेनर पलट गया, जिस वजह से 2 लोग जख्मी हो गए
और साथ ही सर्विस लाइन में तेज गति से आते हुए कंटेनर ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद वाहन में आग लग गई। वहीं मंदसौर जिले के शामगढ़ नगर परिषद में परिषद के कर्मचारियों की ओर से लाखों के गमन का मामला सामने आया, जिस पर नगर परिषद अध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव ने बुधवार को प्रेसवार्ता कर जानकारी दी और बताया कि परिषद के दो कर्मचारी आस्था त्रिवेदी और नरेंद्र उर्फ श्याम सेठिया को पेयजल राशि में गबन के आरोप में निलंबित कर दिया गया है और उन पर FIR की जाएगी। कार्य के प्रति लापरवाही और जो है ये गबन का जो मामला आया है, ये किन लोगों पर है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जिस दिन से मैंने पदभार ग्रहण किया उस दिन से ही मैंने कहा था कि हमारी परिषद भ्रष्टाचार मुक्त रहेगी और उसी से जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारे सजग जो प्रहरी हैं, हमने उनके जलकर राशि की ये जो गबन हमने पकड़ा, इसलिए ये एक आस्था त्रिवेदी मैडम है और जैसे मैंने अभी बताया इसमें ये नरेंद्र सेठिया जी हैं, तो हमने जो उनको बोला भी कि आप राशि जमा कराइए। अगर फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।